हेलो व्यूअर्स, आज का प्लान का प्लॉट साइज 24x36 फीट का है, जो कि 864 स्क्वायर फीट का प्लान है। वेस्ट फेसिंग का प्लान है। सो इस प्लान 24 फीट फ्रंट साइड है और इधर 36 फीट का है। सो इस प्लान में 3 बेडरूम है। सो स्टेयर के नीचे से एंट्री होगा, इधर स्टेयर है। सो इधर किचन, इधर एक बेडरूम, इधर ड्राइंग हॉल, इधर दो टॉयलेट और इधर और दो बेडरूम। सो इस बिल्डिंग का स्टेयर के नीचे से एंट्री होगा। सो इस बिल्डिंग में ग्राउंड लेवल से प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंच का है एंड ग्राउंड लेवल से स्टेयर एरिया का हाइट 1 फीट 6 इंच का है। सो इधर से एंट्री होने के बाद अब स्टेयर एरिया में आएंगे, जो कि इधर स्टेयर है। सो स्टेयर एरिया का मेजरमेंट इधर 15 फीट 3 इंच का है और इधर 7 फीट का है। सो स्टेयर का विड्थ 3 फीट 5 इंच का है, ट्रेड 9 इंच का है एंड राइजर 6 इंच का है। सो इधर और एक एंट्री गेट है। सो इधर से एंट्री होने के बाद आप ड्राइंग हॉल में आएंगे, जो कि इधर ड्राइंग हॉल है। सो फ्रंट साइड में इधर किचन है। सो इस किचन का मेजरमेंट इधर 6 फीट का है और इधर 8 फीट का है। सो इस किचन का वेंटिलेशन के लिए फ्रंट साइड में एक विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। और इस किचन के पास में इधर एक बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 9 फीट 4 इंच का है और इधर 12 फीट 9 इंच का है। सो इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में दो विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो उसके बाद इधर ड्राइंग हॉल है, जो कि इस ड्राइंग हॉल का मेजरमेंट इधर 15 फीट 9 इंच का है और इधर 9 फीट 6 इंच का है। सो इस ड्राइंग हॉल में आप इसी तरह सोफा भी रख सकते हैं एंड ड्राइंग हॉल का वेंटिलेशन के लिए इधर एक विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो ड्राइंग हॉल के सामने इधर एक कॉमन टॉयलेट है, जो कि इस कॉमन टॉयलेट का मेजरमेंट इधर 7 फीट का है और इधर 6 फीट का है। सो उसके बाद इधर और एक बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 11 फीट 9 इंच का है और इधर 12 फीट का है। सो इस बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में दो विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। और इस बेडरूम के साथ इधर एक अटैच टॉयलेट भी है, जो कि इस अटैच टॉयलेट का मेजरमेंट इधर 7 फीट का है और इधर 4 फीट का है। सो इधर और एक बेडरूम है, जो कि इस बेडरूम का मेजरमेंट इधर 11 फीट का है और इधर 12 फीट का है। सो इस बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड में दो विंडो भी प्रोवाइड किया गया है। सो दोस्तों, आज का प्लान आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। प्लान पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए। सो आप इस प्लान में थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह इस प्लान को भी बना सकते हैं। तो इस प्लान को बनाने के लिए आपको अप्रॉक्स 13 लाख कॉस्ट पड़ेगा। सो चलिए आप देख लेते हैं इस बिल्डिंग का कॉलम लेआउट, कहाँ पे कॉलम प्रोवाइड किया गया है। सो आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का कॉलम लेआउट। सो आप इसी तरह इस बिल्डिंग का कॉलम लेआउट भी कर सकते हैं। सो कॉलम का साइज 10x10 इंच का है। सो इस बिल्डिंग में टोटल नंबर ऑफ कॉलम 14 है। सो आप चाहे तो 10x15 इंच का भी कॉलम कर सकते हैं। और इस बिल्डिंग में ऑल वॉल 5 इंच का है।
सो दोस्तों, आप चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। सो मैं इसी तरह हाउस प्लान लेके आऊंगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।